आज लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर श्री पीयूष मोडिया जी ने इंडियन रोटी बैंक लखनऊ के भोजन वितरण में सम्मिलित हुए और ज़रूरतमंदों को स्वयं अपने हाथ से भोजन परोसा। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की तथा साथ ही कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं का स्तर पर निदान किया तथा भविष्य में लखनऊ पुलिस के साथ इंडियन रोटी बैंक के बेहतर तालमेल के संदर्भ में भावी रणनीति तैयार की। विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता की एक रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे सुलभ भाई के लिए एक उपाय किया जाए कि उनके जो भी एक घटना की है वो पकड़े जाए और उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद किया जाए। और मैं इसके लिए हम लोग पत्रकार समाज कल्याण हमारा पूरी समिति बरेली के आज बरेली के में कैंडल जलाकर शोक व्यक्त किए और मैं उनका आभार कहूँगा कि ऐसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए उनका बहुत बड़ी मौन किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे हमारे पत्रकार ऐसा देखिए, प्रतापगढ़ के एबीपी न्यूज़ के एक सीनियर रिपोर्टर थे सुलभ श्रीवास्तव जी, जो लगातार माफियाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वर्तमान की परिस्थिति में शराब माफिया जो प्रतापगढ़ के थे उन्होंने कवरेज को उसको चलवाया। इस चीज़ को उन माफियाओं को बहुत गहरा शायद आघात हुआ, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ अहित हुआ होगा क्योंकि वह समाज के चौथे स्तंभ थे। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कार्य किया था, उसी को लेकर के वह शराब माफिया उनसे शत्रुता रखने लगी, जिसको लेकर के हमारे सुलभ जी को एहसास भी हुआ। उन्होंने इस घटना से दो दिन पूर्व वहाँ के एडीजी और एसएसपी को एक लिखित पत्र भी दिया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, अगर पुलिस प्रशासन समय से जाग गया होता, उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर गौर कर लिया होता तो आज सुलभ श्रीवास्तव जी जो गौ लोग जा चुके हैं वह हम सब के बीच होते। मैं ऐसी घटना को बहुत ज़्यादा निंदनीय मानता हूं और सरकार से आदरणीय योगी जी से मांग करते हैं सुलभ की जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। माफिया चाहे किसी प्रकार के हों, शराब माफिया हों या भू माफिया हों या खनन माफिया हों, इन माफियाओं को तत्काल प्रभाव से चिन्हित कर जेल के अंदर डाला जाए, यही मेरा सरकार से आग्रह है। नौजवान पत्रकार की दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है, प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है जैसे किसी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई। बहुत दुखद है, ये दोनों भी दोषी हैं, प्रदेश सरकार उसकी जांच करवा रही है। मुझे लगता है कि उसको और उनके परिवार को निश्चित रूप से न्याय दिलवाएगी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। और बहुत कष्ट का विषय है कि इस प्रकार एक नौजवान साथी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, हमारे बीच में नहीं था, ये बहुत बड़ा भविष्य का नुकसान। हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनके परिवार को ऐसी उनको सहन करने की ताकत दे और उनको अपने शीर्षों में निवास दे। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, तो माफिया हो जो कोई भी लोग हों, वो चाहते नहीं हैं कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है ये अपना काम करे और इस तरीके के माफियाओं को वो सामने लाए। वो तो कुछ प्रयास लंबे समय से करते चले आ रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। निश्चित मानिए आदरणीय योगी जी की सरकार उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने पत्रकार बंधु के जिनकी मृत्यु का हम सबको दुख है और आज जैसा भी जानकारी मिल रही है कि वो दुर्घटना ना होके हत्या है, इस संबंध में माननीय योगी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी इसमें जांच करा रही है और दोषी लोग निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही साथ भविष्य में इनकी प्रवृत्ति ना हो, इस संबंध में हम अपने संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के प्रति कठोरतम रुख अपनाया जाए जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। दुखित परिवार को इस असहनीय दुख सहने की प्रभु क्षमता प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।
सेक लूँगा।